हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम टू द पार्ट 10 ऑफ लियो सीरीज। और इस पार्ट में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिटोपोलॉजी ऑफ होल बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी खत्म करने वाले हैं, इंक्लूडिंग शूज। और इसके बाद सिर्फ बचेगा अपना हेयर्स, माउथ बैग, टीथ, टंग, वो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा चीज बचेगा, बट उसके अलावा सब मेजर रिटोपोलॉजी खत्म हो चुका है। एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल ट्राई टू फिनिश दोस थिंग्स, बट इस पार्ट में हमने पूरा लियो का रिटोपो खत्म कर दिया है। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ आई डिड इट, सो देखना पड़ेगा तुमको ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। सो एंजॉय एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम टू द पार्ट 10 ऑफ लियो सीरीज। एंड फाइनली ये बहुत खुशी हो रही है, 10 पार्ट 10 पे आ चुके हैं। एंड आज इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डू रिटोपोलॉजी ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स, जो कि है लेग्स एंड ऑल। और ये मेरा प्योरफ चला गया नीचे, ऊपर। हाँ, और देखते पहले क्या क्या कर पाएंगे, ठीक है। होपफुली मुझे लग रहा है ये पैंट हो जाएगा एंड इसके लेग्स हो जाएंगे, शूज़ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस नेक्स्ट पार्ट के लिए विल बी रिमेनिंग विथ माउथ के अंदर कैविटी वाला पार्ट, टीथ एंड टंग, और ये हेयर्स टाइम लगने वाला है, ठीक है, अगेन। बट बाकी सब चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द पैंट्स, ठीक है। तो मैं इस पैंट को करूँगा शिफ्ट डी डुप्लीकेट एंड इसको भेजेंगे डेसीमेटेड मैश वाले कलेक्शन में। इसको हाइड करेंगे वापस से एंड डेसीमेटेड मैश में इसको लेंगे एंड एज यूजुअल विल ऐड अ डेसीमेट मॉडिफायर। एंड हमारे पास है अभी कुछ 595 लाख वर्टाइसेस, ऑलमोस्ट 6 लाख वर्टाइसेस है, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा, चलो 0.1 करके देखते हैं एंड वी वेट। ओके, सो डेसीमेट हुआ है और हमें मिला है 1,18,000 समथिंग, एंड विच इज गुड, विच इज एक्सेप्टेबल। एक्चुअली 1 लाख के अंदर आया है एंड कुछ डिटेल वगैरह कुछ लॉस नहीं हुआ है। तुम देखोगे अगर मैं इसको हाइड करूँ और वापस अनहाइड करूँ, कुछ तुमको फर्क दिखने ही नहीं वाला। मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई, तुम लोगों को कुछ दिख गया होगा तो वीडियो में कंप्रेशन के साथ तो बड़ी बात है भाई। मुझे तो कोई कुछ भी एकदम हल्का सा भी माइन्यूट सा भी चेंजेस नहीं दिख रहा मुझे, सो दैट इज़ गुड। इसको अप्लाई कर देते हैं एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रिटोपोलॉजी। एंड रिटोपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं इन सबको हाइड कर दूंगा, ठीक है। वी नीड ओनली द पैंट्स और रिटोपो वाले इस कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, देन गो इनटू रिटोपो फ्लो। इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले, रिटोपो फ्लो एंड एड एक्टिव। और इसने एक नया बना दिया है ऑब्जेक्ट, बट हम लोग को इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकल, हाँ, बिकॉज फुल स्क्रीन करना भूल गया था, सो फुल स्क्रीन कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट रिटोपो फ्लो। एंड रिटोपो फ्लो स्टार्ट हो चुका है। और एज ऑलवेज अपना सिमेट्री ऑन कर लेना, ठीक है। सिमेट्री ऑन हो चुका है और इसको भी हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसका प्लान कैसे होएगा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट पैंट का, ये है सिलेंडर्स। तुम लोग देख सकते हो ऑलरेडी ये सिलेंडर्स दिख रहे हैं एंड दिस इज अ बिगर सिलेंडर। तो एक बड़े से सिलेंडर में से दो दो सिलेंडर नीचे आए हैं, मतलब एक लेफ्ट में आया और एक राइट में आया। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से ही इसको रिटोपो करना है। अगर तुम लोगों ने थोड़े से एकदम, मतलब फॉर स्टडी पर्पज ओनली, ठीक है, मैंने बोल रहा कि तुम लोग कुछ गलत चीज़ देखने गए थे। अगर तुम लोग ने देखा होगा बिकिनी में या फिर जो रहते हैं शॉर्ट्स में किसी फीमेल को, तो उनका जो सा लाइन बनता है, जो बिकिनी से जो लाइन बनता है, क्या बता रहा हूँ, वो जो लाइन बनता है ना, उस हिसाब से वहाँ पर से अपना एक लूप जाने वाला है, ठीक है। जिसको समझ गया उसको बड़ी बात है भाई, उसको समझ गया। जिसको नहीं समझा मैं बता तो कौन सा लाइन जाएगा और मैं यूज़ करेगा, क्या यूज़ करूँ, ठीक है। उसको बनाने से पहले, बताने से पहले ये अपने को सिलेंडर समझाना, ठीक है। सिलेंडर्स कॉन्टोर से उड़ा देते, चलो। तो फ्रंट व्यू में
कंट्रोल। एंड मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये शायद एकदम सिमेट्रिक नहीं है, बट है, बट चलेगा, ठीक है। कॉन्टोर्स एंड इसको है ना थोड़ा सा ऐसा एलिवेटेड बनाना, इसका रीज़न वही है जो मैंने अभी बताया, जो तुमको समझा हो नहीं समझा हो मुझे नहीं पता, बट इसका रीज़न वही है दैट बिकिनी लाइन या जो भी बोलते हैं उसको, क्राउच लाइन, बिकिनी लाइन, जो भी बोलना है बोलो, बट वो होता है यहाँ से ऐसा लाइन जिसकी मदद से तुम्हारा जो ये क्राउच का एरिया है, यहाँ पे जो फोल्ड आना चाहिए, यहाँ पे जो क्रीज वाला एक पिंच जैसा आना चाहिए, वो क्रिएट होएगा इस लूप की वजह से। इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं एक्चुअली, इतना ये भी थोड़ा सीधा हो गया है, उसको एक्चुअली थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये जो फोल्ड जा रहा ना फोल्ड, उसके परपेंडिकुलर बनाना, उसके पैरेलल बनाना, परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, उसके पैरेलल बनाना। एंड 16 वर्टाइसेस लूंगा मैं यहाँ पे, ओके। बीच में से इसको देखना कि टच ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे से एक और लूप जाता हुआ रहेगा, तो बीच में हमें ये टच नहीं चाहिए, ओके। ये बन चुका है, नाउ अगेन गोइंग टू द फ्रंट व्यू, मैं वन दबा रहा हूँ फ्रंट व्यू में जाने के लिए। एक और यहाँ पे, एक और यहाँ पे, और एक और यहाँ पे, वाह बढ़िया बन गया, देखा। एंड अभी मुझे यहाँ पे कंट्रोल आर दबा के कुछ और लूप्स ऐड करने पड़ेंगे वॉल्यूम को बराबर रखने के लिए, हाँ बस। और यहाँ पे भी एक चाहिए मुझे, ठीक है डन। अब थोड़ा सा ट्विकिंग करेंगे, क्योंकि ये जो वर्टाइसेस जा रहा है ना ये वाले लाइन का, ये इस क्रीज पे होने चाहिए, ये जो क्रीज दिख रहा है ना ये वाला क्रीज, इस क्रीज पे होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है, तो उनको उस क्रीज पे डालना है, ठीक है। चलो उनको पहले डाल देते, क्योंकि उसका एक और लूप आएगा बीच में यहाँ पे। ट्विक टूल एंड सबको प्लेस पे डालो, ओके सबको प्लेस पे डाल दिया। एंड यहाँ पे एक और लूप डाल दो, क्योंकि ये वॉल्यूम जो जा रहा था ना इसको मेंटेन रखने के लिए, तो मैं एक और डालूंगा, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है ये कर्व्ड वाला एरिया, तो थोड़ा सा सिलोवेट मेंटेन होना चाहिए ना इसके लिए, और हो सके तो इसको थोड़ा सा मैं और नीचे ले लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है सिलोवेट मतलब ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अब वहाँ पर अगर कुछ फोल्ड है वगैरह, जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फोल्ड है, तो इसको बाद में हम लोग ब्लेंडर में लेके जाके इसको टिक करेंगे, मतलब वैनिला ब्लेंडर में इसको टिक करेंगे। ये ब्लेंडर का ही पार्ट है रिटोकोफ्लो, वैनिला ब्लेंडर मतलब बिना किसी एडऑन्स के, उसको वैनिला ब्लेंडर कहते हैं, या फिर मैं स्पेशली वैनिला ब्लेंडर उसको कहता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मिडल पार्ट, ठीक है। तो पॉली पेन एंड मिडल पे इसको मैं ऐसे बनाऊँगा कनेक्ट करता हुआ, और ये कनेक्टेड है ना, थोड़ा सा नहीं है तो फिर इसको अंदर से पुश करूँगा ताकि कनेक्ट हो जाए। अगेन पॉली पेन, और हो गया बीच के दो, बीच के दो करने ज़रूरी थे, मतलब ये जो मैंने दो कनेक्ट किए ना स्ट्रेट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट स्ट्रेट ही कनेक्ट होंगे। एंड यहाँ पे एक पोल बनेगा, बता तो कहाँ से, ये एक हम लोगों ने फेस बनाया, ये जो वर्टेक्स है ना यहाँ से पोल बनना स्टार्ट होएगा, और जहाँ से मैंने बोला था कि पोल बनने वाला मैंने बोला है, वहाँ पे पहले ही पोल बना दो, लो बना दिया पोल, ठीक है। सेम हम लोगों ने जो ये दो बनाए थे उसके बाद एक और फेस बनाया स्ट्रेट जाता हुआ, एंड उसी से कनेक्टेड पोल बनाया, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे रखेंगे, एंड यहाँ पे बनेगा अपना पोल, तो पोल बनेगा तो बना देते, अरे ये क्या हो गया, डिसॉल्व करो इस एज को, ठीक है। तो यहाँ पे पोल बन गया, एंड इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ, और बस। तो देखो यहाँ पे एक पोल बन गया है और यहाँ पे एक पोल बना है, एंड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इसके ऊपर से हम वी हैव टू कंटिन्यू एंड मेक द सर्कल्स, मतलब सिलिंड्रिकल सर्कल जो बनाने वाला हो वो सिलेंडर यहाँ से बनेंगे ऐसे जाते जाते। मैं दिखा देता हूँ पॉली पेन टूल, ये इसको पूरा ऐसे कंटिन्यू करते जाऊँगा,
एंड इसको ये लाइक बहुत कम डिस्टेंस रख के बना रहा हूँ, बाद में हम लोग इसको रिलैक्स करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो उसका टेंशन ना लो, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि कॉन्टोर्स से करना है ना आगे का काम, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है, ये पूरा लुक जा रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये वाला पूरा एज कंटिन्यू हो गया। अरे सिलेक्ट, ये जो पूरा फेस सेट्स है सिलेक्ट होना, हाँ ये देख रहा हूँ, ये पूरा फेस सेट्स ऐसे जा रहे हैं, एंड यहाँ से भी ये ऐसे ही जा रहे हैं बराबर। ट्विक थोड़ा सा इधर आएगा क्योंकि मैं वो कंफ्यूज कर रहा था वो। ओके नाउ इसके ऊपर हमें वो सिलेंड्रिकल शेप्स बनाने हैं, मतलब सिलेंडर्स बनाने हैं, तो क्या करो इसके कहाँ गया कॉन्टोर्स, ये ऊपर के एज को पकड़ो, अरे बाप रे सॉरी, हाँ ये ऊपर के एजेस को पकड़े मैंने, नाउ यूज़ कॉन्टोर्स और फ्रंट व्यू में जाओ, मेक समथिंग लाइक दिस, देख रहे हो पूरा बन गया। तो ये देख रहे हो ये बना सिलेंडर अपना, जो मैं बताने वाला था कि सिलेंडर कैसे बनते हैं। हिडन वायर्स नहीं, हिडन वायर्स ठीक है, इन फ्रंट आ जा, हाँ ये देखो ये बने सिलेंडर्स, ठीक है ये सिलेंडर शेप है, और सिलेंडर से कनेक्ट होते हैं ये सारे सिलेंडर्स, देख रहे हो ये पूरा सिलेंडर्स, ये इन सिलेंडर से कनेक्ट हो रहा है, और बीच में ये एक पट्टी बोल सकते हो या फिर एक मेश, जाली जैसा मेश है, ठीक है तो समझ गया ना, ऐसे होएगा पैंट का रिटोपोलॉजी। अब मैं यहाँ पे थोड़े से ऐड करूँगा, और हमें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं चाहिए क्योंकि देख सकते हो इसका फुल सपाट है, जी एक्चुअली मुझे सॉसेज जैसा शेप लग रहा है बट पूरा सपाट है, तो मैं इसके लिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं डालूँगा, मतलब एक्स्ट्रा लूप्स नहीं डालूँगा वॉल्यूम के लिए, इतना काफ़ी है। अब मेरे को जो करना था नीचे वाला पार्ट, और इसके लिए मैं वापस से रिटोपो फ्लो में नहीं जाने वाला, यहीं पे एक्सक्लूड करके स्केल कर दूंगा, और स्नैपिंग चालू कर लिया मैंने शिफ्ट दबा के, इसकी वजह से स्नैप हो रहा है सारे, और एक बार एक्सक्लूड स्केल, अरे शिट SZ जीरो, ताकि सारे अंदर चले जाए। एंड पैंट का रिटोपो हो चुका है। अब मैंने ऊपर का कनेक्ट क्यों नहीं किया था, याद है तुम्हें, अगर तुम्हें अगर याद हो तो हम लोगों ने जो शर्ट वाला है पार्ट, ठीक है इसको इन फ्रंट हटा दो एंड सिमेट को भी हट करो, ओके इसका वायर फ्रेम चालू। हाँ अब देखो मैंने शर्ट का भी नीचे वाला पार्ट नहीं बनाया था, पैंट का भी ऊपर वाला पार्ट नहीं बनाया, द रीज़न बींग मैं उसको सीधा एक से एक कनेक्ट कर दूंगा, एंड उसके बीच में एक एज रहेगा जो होगा क्रीज वाला पार्ट, उस पर एक एज आएगा, कौन सा क्रीज वाला पार्ट मैं दिखा देता हूँ, बॉडी, हाँ ये देख रहे हो ये जो दो है ऊपर वाला शर्ट और नीचे वाला शर्ट, ये एक इस क्रीज पे, ये जो लाइन है ना यहाँ पे कनेक्ट होते हैं बराबर, और वहाँ पे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा, जो लो पॉलीज है ना ये दोनों, इनको इसी पर कनेक्ट करूँगा, तो एक पूरा कम्प्लीट मैश रहेगा, ठीक है टूटा हुआ मैश नहीं रहेगा, जैसे इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, हम दोनों को ज्वाइन करने वाले अभी, ठीक है बट ज्वाइन करने से पहले मेरे को ज़रा एक बार देखने दो कि ये लोग अंदर क्यों चले गए, आइसोलेट, अरे हाँ मैं अभी ब्लेंडर में कर रहा हूँ तो स्किन का स्किस चल कर लेगा, ठीक है अभी ये सारे अंदर चले गए इन फ्रंट, पता नहीं क्यों ये सारे अंदर चले गए, तो अभी इनको वापस बाहर लाना है, और ये हमेशा मिरर का क्लिपिंग सेलब चालू ही नहीं करता, ये फालतू जैसा करने का तो नहीं चालू करता, पता नहीं क्यों क्या मजा आता उसको। तो ये जो मैं बिकिनी लाइन बोल रहा था ना जो है वो लाइन, ये वाला एज, ये वाला एज होता है वो, अरे हाँ ये एज जो आ रहा ना ये एज, इस पर वो क्रीज आता है, और ये तुम्हारा वो बिकिनी लाइन जिस पे एक पोल सामने और एक पोल पीछे बनता है, ठीक है
इसलिए बोल रहा था कि यहाँ से एक एज जहाँ भेजना रहता है जिस पे वो क्रीज आता है और इस एज पे क्रीज आएगा, तो यहाँ पे मैं एक और लूप ऐड करूँगा नीचे से ताकि वो क्रीज को सपोर्ट करे। ओके, अब स्मूथिंग करनी है, थोड़ी टप ऑफ लो। रिलैक्स टूल एंड एंजॉय द टाइम लैप्स। एंड मैं रीटोपो फ्लो से बाहर आ गया क्योंकि रीटोपो फ्लो में पता नहीं ये वाला पार्ट है ना स्मूथ आउट नहीं हो रहा था, तो मैं इसलिए बाहर आ गया। एंड ब्लेंडर में ही हम लोग कर लेते हैं, वैनिला ब्लेंडर में इसको थोड़ा रिलैक्स वगैरह कर लेते हैं। फिर हम लोग ऐसा क्या बोलते इसको, हाँ, स्कल्प मोड में जाके स्लाइड रिलैक्स टूल यूज़ करके भी तुम लोग इसको स्मूथ आउट कर सकते हो एंड ये बढ़िया काम करता है। बस थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना पड़ता है, हल्का लाइट प्रेस करके, कभी कभी स्ट्रॉन्ग प्रेस करना पड़ता है अगर तुम लोग पेन टैब यूज़ कर रहे हो तो। अगर पेन टैब नहीं यूज़ कर रहे हो तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि तुम लोग पेन टैब यूज़ करो। एंड मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी चीप पेन टैब खरीद के भी तुम लोग बना सकते हो। तुमको अपने मम्मी पापा से ज़्यादा हाईली प्राइज्ड जो भी पेन टैब है उनकी डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर कोई एक चीप पेन टैब भी ले लोगे ना, फॉर एग्जांपल 2000-3000 का, इट्स फाइन, लोग उसमें काम कर सकते हो। वो तुमको इस लेवल का स्कल्प्ट बनाने देगा, मतलब तुम बना पाओगे उसमें। ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच्ची में। अगर तुमने एनाटॉमी वगैरह सब सीख लिया, शेप लैंग्वेजेस सीख लिए ना प्रॉपरली, तो तुम उस टैब से भी बना सकते हो। मैंने ट्राई किया है एंड बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एजेस है ना, एज पे जो ये लूप्स है, इनको प्रॉपरली प्लेस करूँगा। ओके, प्लेसमेंट हो गए सारे। थोड़ा सा ये नीचे, वो भी थोड़ा नीचे। ओके, अब मैं इसको, ये जो एज है ना, अपना स्नैप बंद कर लेना, ठीक है। स्नैप बंद करके कंट्रोल बी बेवल करना और सिर्फ ऐसे दो एजेस लगाना, बस हल्का सा, ठीक है। एकदम ज़्यादा जोर से, ज़्यादा लंबा बड़ा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक चाहिए। एंड बाद में इन सबको ऐसे प्लेस कर देना, सिर्फ हल्का सा मूव करना, अपने आप वो ऑटो स्नैप हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। क्योंकि तुमने बेवल किया ना तो मैश के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, बेवल करते ही। तो उनको बस बाहर निकालना है हमें ऐसे करके, बस नहीं, सबको पकड़ के बस ऐसे ही बाहर निकाल लो। एंड कितना टाइम हुआ अभी तक वीडियो में, 20 मिनट। 20 मिनट में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एंड्स। बस रीटोपो एक्चुअली है थोड़ा टीडियस सा, बोरिंग सा काम, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ तुम लोग कोई म्यूजिक लगा लो एंड चिल होके बस करते जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा बिकॉज अगेन जैसे हम लोग ने सोचा था ना, जैसे मैंने बताया था कि मैं हैंड्स को सीधा शर्ट से कनेक्ट करूँगा, सेम लेग्स को भी यहाँ पे पाव से कनेक्ट कर दूँगा एंड लेग्स को नीचे से भी फिर बूट से कनेक्ट करूँगा डायरेक्टली, तो पूरा एक अखा मैश आएगा अपने पास, जिसमें शायद ज़रूरत पड़ा तो हेड को अलग रखेंगे, नहीं तो मैं स्कल्प्ट करके थोड़ा सा उसको भी प्रॉपरली कर लूँगा। एक्चुअली हम लोग एक ही मैश में रखते मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस एंड अनटिल ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है कुछ है प्रोडक्शन में अलग सा, तो फिर ही हम लोग अलग रखते, वरना फिर तो सब सेम ही कर लेते। अब मैं इन लोग को थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ क्योंकि चाहिए था मेरे को इसके लिए, क्या ही रीज़न दूँ, चाहिए वहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे होने चाहिए, बस यही रीज़न है, इसलिए उनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ थोड़ा नीचे ऊपर। ये जो बीच का बीच में एक एज लूप आने वाला है ना, ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए इनको मैंने प्रॉपरली बस प्लेस कर लिया। ओके, डन। और
ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज इसका इंक्रीमेंट वन करो पहले, तो डेसिमेटेड मेशर्स को हटा दो और शर्ट्स वगैरह को भी करना पड़ेगा, शर्ट के भी करने पड़ेंगे हमें. ठीक है, शर्ट के भी मैं जो नीचे चले गए थे अंदर उनको ऊपर ला रहा हूँ. ये थोड़ा सा एक सेकंड, एक गलती दिख गई मुझे स्कर्ट में. व्हाट आई विल डू इज, अरे कलर साइड कैसे हो गया यार. हाँ, इसको लूंगा मैं एंड आई विल गो इनटू स्कर्ट मोड और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर दूंगा. थोड़ा अंदर की साइड पर पुश कर दूंगा ऐसे. ठीक है, और अभी इसको लूंगा शिफ्ट डी एम एम टू डेसिमेटेड मेश. इसको हाइड कर दो कलेक्शन को. एंड ये मैं क्यों करता हूँ हाइड वगैरह, हाइड करने की जगह इसको मैं देख रहा हूँ, ये जो एक्सक्लूड वाला बटन है टिक वाला, उसको मैं बंद कर रहा हूँ. द रीज़न बीइंग, अगर उसको मैं चालू रखूँगा ना तो तुम्हारा सीन लैग होगा. जैसे ही तुम इसको एक्सक्लूड कर दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है तुम्हारा व्यू पॉइंट. एक्चुअली करता क्या है, ये जो हाइड वाला बटन है ना, ये हाइड हाई वाला, वो सिर्फ हाइड करके रखेगा बट वो डेटा कैश करता रहेगा. जैसे तुम इसको एक्सक्लूड कर दोगे ना, वो डेटा कैश करना बंद करेगा, तुम्हारा रैम क्लीन होगा, क्लियर होगा और तुम्हारा व्यू पॉइंट लैग नहीं करेगा. ठीक है, इस वजह से मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ. और ये एक्चुअली नॉर्मल है, ये हर एक पैकेजेस में हम लोग ऐसे ही करते हैं वर्क. तुम ZBrush ले लो या फिर कोई भी पैकेज ले लो, ब्लेंडर के अलावा जो भी लेना है, उसमें भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली फटाफट वर्क कर सके, लैग ना हो. एंड यहाँ पे मुझे लगता है एक्स्ट्रा लूप्स चाहिए रहेंगे शायद, देखते. अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर कितने लूप्स है, वी हैव 15 वर्टाइसेस. हाउ वी हैव 15 वर्टाइसेस, हाँ सॉरी वी हैव 14 एजेस. ओके 14, यहाँ पे 16, 20, 14, ओके वी हैव 14 एजेस. ठीक है, नीचे से आते हुए, और मतलब 14 और प्लस 14 टोटल 28 है. ठीक है, एंड यहाँ पे वी हैव 13, मतलब 12 है, इवन है क्योंकि सामने वाले और पीछे वाले को भी पकड़ रहा है कैलकुलेशन में इसकी वजह से. बट मिरर करते ही एक को काउंट करना होता है, पीछे वाले को काउंट नहीं करना होता ऐसा. तो 12 है और नीचे 14 है, तो वी नीड टू मोर लूप्स. ये जो शर्ट है ना, इसमें दो लूप्स और चाहिए. ठीक, तो अभी मैं कहाँ डालूँगा उसको, वो देखना है मुझे. आई गेस यहाँ पे डालना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉक्स हो गया है, देख रहे हो डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्वार्ट्स का. छोटे छोटे क्वार्ट्स बने यहाँ पे, जाड़े क्वार्ट्स बने. तो मैं कनेक्ट करते करते लूप्स डाल देता हूँ, बेस्ट रहेगा वो. ठीक है, ऐसे हम लोग इवन ही रखने वाले तो फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं भी हुआ यार तो चलता है, अनलेस एंटिल तुम्हारा इवन है तब तक. ठीक है, बट एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे डालूँगा ना तो क्या होगा, मुझे एक दिक्कत आएगी कि अपना जो हेड है विच हैज़ डिस्प्ले वायर, नहीं सॉरी है ये इन फ्रंट है क्या, हाँ सॉरी, ये जो हेड है इसके नीचे जो ये वर्टाइसेस थे, ये हमारे पास है 6 वर्टाइसेस हमारे पास ये. एंड यहाँ पे है हमारे पास कितने, 16, वाओ 6 एंड 16. बढ़ाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे कम करना पड़ेगा. एक्चुअली यहाँ पे कम करना चाहिए मुझे, तो देख के जितना लग रहा है लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉली काउंट आ गया, बट एक्चुअली कर्व भी है ना. एंड यहाँ पे ये जो ब्रेकेज हो रहा है ये लो पॉली लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को लूप्स ऐड करने पड़ेंगे. ऐसा लूप ऐड करके सेट फ्लो करना है. एंड अगर तुम लोग को सेट फ्लो पता नहीं है कहाँ से मिलेगा, तो ऐड ऑन है डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, लूप्स ऐड ऑन
लूप एड ऑन, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है आई गेस एच फ्लो एड ऑन है, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे तुम लोग उसको इंस्टॉल करोगे, कोई भी एज मोड में जाना, ठीक है, एज मोड में जाना, देन प्रेस कंट्रोल ई एंड यूर विल हैव सेट फ्लो एंड सेट लीनियर, ये दो नए ऑप्शंस आ जाएंगे तुम्हारे पास, सेट फ्लो एंड सेट लीनियर। और मैंने बाद में सेट फ्लो को क्विक फेवरेट्स में डाल दिया, ठीक है। तुम्हें कहा था, हाँ सिक्स एजेस, आई गेस इन दोनों में कनेक्ट नहीं करूँगा, वो बेटर रहेगा ताकि ऐसा शर्ट के अंदर जाता हुआ भी दिखेगा एंड इट विल लुक गुड, लुक गुड, ठीक है। तो मैंने डिसीजन ले लिया, इसको ऐसे रखेंगे। अब मेन है कनेक्ट करने की बारी, तो मैं क्या करूँगा अभी इज आई विल मेक अ थिंग, ठीक है, एक थिंग नहीं एक लूप बनाता हूँ मैं, ठीक है, जो मैं दिखाता हूँ उनको कैसे बनाना है और कहाँ से कहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ये तुमको याद है, ये वाला जो एज है ये आएगा तुम्हारे इस पे, ये दिख रहा है, ये जो एज है ना, ये हार्श एज इस पे आया हुआ है एंड इसको बाद में हम लोग थोड़ा सा मूव करने वाले हैं, क्योंकि सारे एजेस स्मूथिंग की वजह से यहाँ वहाँ हो गए। और मैंने तभी ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था बाद में कहीं पे बढ़ाना घटाना ऐसा सब आने वाला है, तो इसके लिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। बट अभी अभी भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं लाइक ऐसे ही बस थोड़ा सा करके रख रहा हूँ, ठीक है। बट जो मैं बताना चाहता था, ये लाइन के ऊपर ये वर्टाइसेस है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो सिलोवेट है इन वर्टाइसेस की वजह से मेंटेन रहेगा। तो मैं इन वर्टाइसेस के जस्ट नीचे से एक ऐसा लूप घूमता हुआ बनाने वाला एंड वो कैसे बनाऊँगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। आई विल यूज़ नाइफ टूल, यहाँ से कट करना स्टार्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के जैसे तुम कट करना स्टार्ट करोगे ना, तुम देखो जैसे ही किसी एच की तरफ लेके जाओगे ना नाइफ को, वो अपने आप स्नैप करेगा एच के बीच में, देखो एच के बीच में स्नैप करेगा हमेशा, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के आई एम जस्ट मार्किंग दिस एचेस, ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ एंड ये वाला वो एच है, ये दिख रहा है, ये वाला एच, ये वो एच है, ठीक है। तो एच तक मैंने किया, नाउ शिफ्ट छोड़ सकते हो तुम लोग, ठीक है, समवट सेंटर में रखना, सेंटर पे विजुअली जितना देख के तुम लोग को लग रहा है कि सेंटर पे है, सेंटर पे मार्क कर लेना ऐसे, ठीक है। एंड शिफ्ट दबाओगे तो तुम्हारा अपने आप स्नैप चालू हो जाएगा, तो शिफ्ट को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है, शिफ्ट को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट से ऑन ऑफ होता है ये चीज़, ठीक है, शिफ्ट से ऑन ऑफ होता है, नहीं ऑन ऑफ नहीं हो रहा अभी, हाँ ये क्या मजा आ गया, शिफ्ट होल्ड करके रखने के बाद करना पड़ता है ना। मिड पॉइंट स्नैप ऑन, तुम यहाँ पर नीचे देख सकते हो, अगर दिख रहा है तो शिफ्ट से तुम ऑन ऑफ कर सकते हो, बट मैं होल्ड करके रखना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज यहाँ पे तुमने कट किया ना, हो यहाँ पे कट करो, फिर राइट क्लिक करो, ठीक है, कट छूट जाएगा, अगेन इस पॉइंट पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, देन शिफ्ट सेंटर पे, सेंटर पे, सेंटर पे, ये सेंटर वाला जो एज लूप है ना, याद रखना, ये सेंटर वाला एज लूप नहीं, ये फेसेस का जो ये लूप है, ठीक है, इसको हमें छेड़ना नहीं था, याद है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर तक आएंगे, ठीक है, एंड विल मेक अ कट ऐसा यहाँ पे इस वर्टेक्स पे, राइट क्लिक इस पे एंड देन शिफ्ट दबा के विल कंटिन्यू डाउनवर्ड। अरे शिट, मेरा एक गलत हो गया, अरे यार शिट, कट चला गया मेरा, वापस से कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया कट, अब यहाँ से सीधा नीचे आ जाऊँगा मैं, स्ट्रेट नीचे एंड देन प्रेस एंटर। तो तुमने ये बना लिया है, ये वाला शेप, ये वाला पूरा एज ऐसा तुमने बनाया है, ये ऐसा, एंड ये मदद करेगा हमको इसी के अंदर लूप्स भगाने की। अभी हम लोग चाहे तो जितने चाहिए उतने एजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है एंड ये ऐसा घूम रहा है। एक्चुअली मुझे नीचे आता हुआ यहाँ से कौन सा एज जा रहा है, ये जा रहा है ना, इसको बीच में होना चाहिए था, तो
तो मैं काम कर सकता हूँ, ये जो एज है ना इनको यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकता मैं, सॉरी सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। नाइफ लूँगा अगेन एंड यहाँ पे मैं कट कर दूँगा एंटर, ठीक है, यहाँ से लेके ऐसा पूरा, एंड अगेन हम लोग बनाएंगे एक और यहाँ से लेके ऐसा वाला। सो नाइफ के यहाँ पर से जैसे हम लोगों ने ऐसा बनाया था ना, यहाँ से ऊपर जाता हुआ, यहाँ से ऊपर जाता हुआ बनाएंगे हम ऐसा, एंड देन सेंटर पे इधर अंदर की साइड पे एंटर। सो हम यहाँ पे अभी जितने चाहे लूप्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग जितने चाहे लूप्स ऐड कर सकते हैं, सेंटर वाला लूप प्रिजर्व है, देख रहे हो। एंड मैंने अभी जस्ट जो यहाँ पे जो वर्टेक्सेस थे, वर्टेक्स काउंट 12 था उसको 14 कर दिया, ठीक है, एंड हो गया। नीचे भी 14 है पैंट में, ऊपर भी शर्ट में भी 14 वर्टेक्सेस है एज पे। सो बस अभी क्या करना है, स्मूथ आउट करना है। तो स्कल्प मोड में जाओ, स्लाइड रिलैक्स, एंड मैं डिस्प्ले वाला चालू करूँगा तो थोड़ा स्मूथ कर दो। ठीक है, ऐसा पूरा स्मूथ आउट कर लो अच्छे से। एंड ये हम लोगों ने कुछ गलत नहीं बनाया है, तुम लोग सोच रहे हो कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा पूरा सिलेंड्रिकल होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे ये एब्स वाला कट है। ये जब हम लोग ज़्यादा कुछ हाई पॉली कैरेक्टर बनाते हैं तो हम लोग ये वाला ऐसा एक लूप रखते हैं, ठीक है, जो ऐसे कंटिन्यू होता है पूरा, जो बिकनी लाइन के ऊपर एक मैश जाता है ना, ये जो सिलेंड्रिकल मैश जाता है उसके ऊपर यहाँ से राउंड हो जाता है, वापस से घूम जाता है। ये जैसा ऐसा बना ना, ये नीचे भी वैसे ही बनता है, ठीक है। तो ये गलत नहीं बना है, ऐसे ही बनाते हैं। द थिंग इज ये कैरेक्टर सिंपल था, इसकी वजह से मैंने पहले नहीं बनाया था, बट नीचे जब नेसेसरी लगा तो मैंने बोला हाँ यहाँ पर लोग पॉलीगॉन डाल सकते हैं ऑब्वियसली, तो बस मैंने डाल दिया, ठीक है। सो स्मूथ हो गया अभी। अब हमें सिर्फ इसको और इसको कनेक्ट करना है, तो हेड को हाइड कर देते, इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जे, ठीक है। अब ये एक मेश में आ गया है पूरे। नाउ आई विल अनहाइड दिस डेसिमेटेड मेश। अब हमें क्या करना है, एक तो थोड़ा सा ये वर्टेक्स को है ना पकड़ के स्नैप करवाने का ऊपर, क्योंकि अंदर चले गए स्मूथनिंग की वजह से, एंड बाद में देखेंगे वापस से अगर स्नैप करने की ज़रूरत पड़ी तो सिंक रैप मॉडिफायर लगा के फटाफट कर लेंगे, ठीक है। एक लूप में यहाँ पे ऐड करूँगा, इसको पकड़ूँगा, सेट फ्लो करूँगा, ठीक है, एंड इसको पकड़ के सेट फ्लो, डन। मैंने थोड़ा सा इवन आउट कर दिया, तो एक एज लग रहा था मुझे, एक बार लग रहा था एज आएगा वहाँ पे, तो मैंने डाल दिया, बाकी सबको सिर्फ सेट फ्लो कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इन लोग को फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूँगा, नीचे वाले को भी पकड़ूँगा, डेसिमेटर को हाइड कर देता हूँ, हाँ ठीक है। ऊपर वाले को नीचे वाले को पकड़ा, देन प्रेस कंट्रोल ई, सॉरी राइट क्लिक, लूप टूल्स एड ऑन चालू कर लेना जिसने भी नहीं किया, मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ लूप टूल्स में ऊपर जो दिख रहा है ब्रिज, इसके ऊपर क्लिक करो, बस दैट्स इट, ये फिल कर देगा पूरा का पूरा प्रॉपरली, ठीक है। फिल होते ही बीच में एक एज डाल दो। नाउ अनहाइड दिस डेसिमेटेड मेश और हिडन वायर्स, ठीक है। अब ये जो क्रीज आ रहा है ना, इसके ऊपर ये वाला एज पूरा प्लेस करना है हमें, ठीक है। सो मैं फटाफट फटाफट प्लेस कर दूंगा, ओके। मैंने पूरे के पूरे सारे अलाइन कर दिए, एंड यहाँ पर मुझे कर्व दिख रहा है, और उसको बनाने के लिए इनको ऊपर ले लूँगा, ठीक है, ताकि वो सिलोवेट आ जाए, ठीक है। सिलोवेट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने यहाँ मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सिलोवेट हमेशा मेंटेन रखना रहता है यूट्यूब के टाइम पे। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे तुमको बजट को देना होता है, सेकेंड प्रायोरिटी तुमको देना होता है तुम्हारे सिलोवेट को, एंड देन डिटेल्स को। एंड अभी ये फाइनल नहीं है रिटोपो, ठीक है, इसके ऊपर हमें कट्स वगैरह बहुत सारे लगाने हैं, वो मैं तुमको बताऊंगा कि यहाँ पे नाइफ टूल लेके कैसे कैसे हम लोग कट्स करने वाले, क्योंकि क्या होगा अभी
एक दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है शेप, नज़दीक जाता हूँ, एंड हिडन वायर्स, ये दिख रहा है फेस, ये दिख रहा है कैसा डिस्टॉर्टेड है, एंड ये ऐसे कट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल टी करूँगा ना, ये ऐसे कट कर देगा खुद को, बट हमें पता नहीं ना कहाँ पे कैसा कट चाहिए। अब मुझे अगर ऐसे ही कट चाहिए रहेगा तो फिर ये तो कट नहीं देगा, वो ऑटोमेटेड ट्रायंगुलेशन करेगा तो ऐसे करेगा, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब वैसा ना हो, इसके लिए वी हैव टू ऐड अ कट लाइक दिस, ठीक है। तब जाके वो उस प्रॉपर जो शेप चाहिए हमें वो शेप देगा। तो हमें ऐसे ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, एक्चुअली में ट्रायंगल्स बनाने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम ट्रायंगल्स बनाएंगे, बट अभी के लिए वी हैव फिनिश्ड विथ आवर पैंट्स, ठीक है। पैंट हो चुके हैं एंड वी आर 40 मिनट्स, ऑलमोस्ट 40 मिनट से कम ही है, 35 समथिंग कुछ तो होगा, ठीक है। तो हमने अपना पैंट्स ख़त्म कर लिया है, पैंट्स का रीटोपो लॉजी, इसको मैं क्लोथ्स के नाम से अभी के लिए रखता हूँ, नाम देकर रखता हूँ। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है रीटोपो क्लो, डिलीट, डिलीट भी नहीं हो रहा। अच्छा हाथ है क्या, इनको मैंने हैंड्स नाम नहीं दिया, देखा इसलिए बोलता हूँ। अभी ये ना नाम दे के रखो वरना बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जब मेरे को समझ नहीं आता ये कौन से पार्ट है। तो देख सकते हो तुम, अभी हो चुका है अपना रीटोपोलॉजी इतना। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेग्स, अभी के लिए लेग्स स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इस पूरे फेस को पकड़ूंगा SZ0 एंड इसको सेट फ्लो, इसको भी SZ0 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर, बस ठीक है। अब इसको भी सारा सेट फ्लो कर ही लेता हूँ, ये थोड़ा सा सब बीच में होना चाहिए, डन। अभी नेक्स्ट अप हमें क्या करना है, शूज़ वाला पार्ट, ठीक है। अभी तक अपना इतना हो चुका है, नेक्स्ट शूज़ वाला पार्ट एंड लेग वाला पार्ट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सो अगेन मैं इसको लाऊंगा वापस से कलेक्शन को, ठीक है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवर शूज़ एंड लेग्स, पहले लेग को कर लेते हैं क्योंकि लेग प्रॉपर एक सिलेंडर है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक सिलेंडर है। एंड आई गेस हम लोग इसी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको सिलेंडर से ही बनाया है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़, जो बीच के पार्ट्स है, ठीक है, ये बीच के जो पार्ट्स है ऐसे पकड़ के कंट्रोल प्लस करते रहूँगा तो ये पूरा ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा ऊपर तक, एंड नीचे के कुछ अगर नहीं सिलेक्ट हो रहे तो मैनुअली इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ओके। मैनुअली सिलेक्ट कर लिया इसको, शिफ्ट डी P by selection and हो गया अपना पाओ leg retopology, ये जो दिख रहा है ये अपना leg retopology जो हम लोगों ने अभी isolate किया, separate किया, वही अपना leg retopology। इसको मैं भेजूँगा retopo वाले collection में, decimated को hide कर दूँगा, and एक सेकंड collection को थोड़ा hide कर लेता हूँ अभी के लिए, सिर्फ hide करूँगा एंड दिखा दो तुम्हें कि ये कितना ज़्यादा हाई पॉली है, देख रहे हो कितना ज़्यादा हाई पॉली है। अब हमें क्या करना है, इसको वी हैव टू टेक दिस SZ0 करना है, SZ0 इसको बाहर निकालो थोड़ा सा, एंड राइट क्लिक लुक टूल्स सर्कल, प्रॉपरली सर्कल हो गया। सेम हमको नीचे वाले के साथ भी करना है, SZ0 थोड़ा सा बाहर निकालो, लुक टूल्स सर्कल, ठीक है। अब इसको मैं वायरफ्रेम में चालू करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ। हम लोग ऐड करेंगे डेसिमेट मॉडिफायर, एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कोलैप्स, सेकंड ऑप्शन है अनसब डिवाइड, तो अभी हम लोग को इसको अनसब डिवाइड करना है, ठीक है। अनसब डिवाइड में गए, नाउ इटरेशंस को बढ़ा दो, देख रहे हो
वैसे ये लो पॉली करते जा रहा है इनको इसको, देखा इसने कर दिया लो पॉली, बस दैट्स इट। एंड अभी ये कितने एजेस है मुझे काउंट करना नहीं हो रहा है, एक तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा तभी मैं काउंट कर पाऊँगा, तो लेट्स अप्लाई इट। एंड इसमें है 16 वर्टाइसेस, दैट्स इट, मिल गया हमें जो चाहिए था। अब यहाँ पे हमें क्लीन करना है, क्लीन कैसे करेंगे, इनको पकड़ के एम एट सेंटर, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स, इन दोनों को पकड़ के एम एट सेंटर, वैसे ही इन सबको पकड़ के एम एट सेंटर करना है। तो मैं करते रहता हूँ, यू एंजॉय द टाइम लैप्स। ओके डन, क्लीन हो गया पूरा। एंड हमें जो चाहिए था सिलेंडर वो मिल गया। अब तुम इसकी जगह पे बोल सकते हो कि चुपचाप सिलेंडर लेके कर देना चाहिए था, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता था वो हमें प्रॉपर मिला है ना, एंड पोजीशन भी उससे उधर ही मिला, तो मेरे को थोड़ा सा ये लाइक चल गया मेरे लिए, चलता है मेरे को इतना। एंड इसको मैं अभी क्या करूँगा, सिमेट्रिक कर देता हूँ, सिमेट्राइज, ठीक है, लेग्स डन। अब हमें चाहिए शूज़, बचे हैं सिर्फ शूज़। शूज़ में भी वी डोंट हैव टू डू द रिटोपोलॉजी फॉर दिस टू पार्ट्स, ठीक है, इन दोनों को रिटोपोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, इसको और इसको रिटोपोलॉजी करना है, ठीक है। तो इन दोनों को शिफ्ट डी, एम डेसिमेटेड मैश, इसको हाइड कर दो कलेक्शन को, डेसिमेटेड को अनहाइड करो। एंड ये दोनों मिला के We have around 1,009,000 something something vertices. तो इतना चलेगा नहीं, ठीक है। इन दोनों पे हमें डेसिमेशन लगाना पड़ेगा, और इस पे सॉरी ये जो है इस सर्कल वाला, इस पे समथिंग अराउंड 3 lakh, और हमें कम करना है 1 lakh में समथिंग, तो 0.2 कर देता हूँ मैं डेसिमेशन में। एंड हमें मिल गया 1,27,000 विच इज एक्सेप्टेबल, अप्लाई। और इसमें है डेसिमेशन 1,06,000 समथिंग कुछ तो है, तो इसको मुझे 1 lakh के अंदर लाना है, तो आई विल प्रेस 0.1 क्योंकि सबसे कम वही हो सकता है, उससे कम करूँगा तो 0.009 में खेलना पड़ेगा, उससे अच्छा 0.09 में खेलने से अच्छा 0.1, बस लेट्स सी कितना होता है कम। ओके तो इसने कुछ 3 lakhs तक कम कर दिया, विच इज़ वेरी गुड, अप्लाई कर देते हैं इसको। एंड टोटल मिला के कुछ 4 lakh रहेगा आई गेस, इतना चल जाएगा रिटोपोलॉजी रिटोपो फ्लो के लिए, कुछ 4,48,000 कुछ तो है, बट चल जाएगा, वो काफ़ी है, मेरा पीसी हैंडल लेगा। हाँ तुम्हारा पीसी हैंडल नहीं कर पाता तो और थोड़ा सा डेसिमेट कर लेना, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये बेक में ही आने वाला है, जो अपन नॉर्मल मैप बेक करेंगे ना उसमें आएगा ये चीज़, तो इसका टेंशन मत लेना, इसके ऊपर हम लोग को अलग से ज्योमेट्री से नहीं बनाना है इसको, इसको रिटोपो में ही, इसको नॉर्मल मैप में बेक करेंगे हम। नाउ लेट्स गो टू रिटोपो फ्लो। हाँ ये रिटोपो वाला कलेक्शन सिलेक्ट कर लेना, सब कुछ हाइड कर लेना, और बस रिटो फ्लो में चलेगा। एक्चुअली इसकी अभी ज़रूरत नहीं है रिटो, सॉरी इसका नाम क्या, प्यूरेफ, हाँ प्यूरेफ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। एंड फुल स्क्रीन रिटोपो, सॉरी रिटोपो फ्लो का मैंने इसको एड एक्टिव कुछ फेवरेट्स में रखा था मैंने, पता नहीं काम नहीं कर रहा, एट एक्टिव। वेट, और मैंने अभी तक ना फाइल को सेव नहीं किया है, इसके लिए मैं फाइल को एक बार सेव कर लूँगा, ठीक है सेव कर लिया। नाउ लेट्स गो बैक टू
टोपो फ्लो एट सेट फ्लो एट लास्ट, नहीं एट सेंटर नहीं, स्टार्ट रीटोपो फ्लो कहाँ गया, स्टार्ट लूप कट एंड स्लाइड, अरे स्टार्ट रीटोपो फ्लो, हाँ खुल ही नहीं रहा था, अजीब था। ठीक है चलो रीटोपो फ्लो स्टार्ट करते, सिमेट्री ऑन। अब इस जो शेप है, ये जो शेप है इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को ये जो शेप बन रहा है, मतलब ये जो है, ये मेरे को एक बॉक्स जैसा दिख रहा है। जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, दिस इज लाइक अ बॉक्स क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है पूरा पूरा, एंड देन वी हैव अ क्यूब अगेन इन द बैक, बट जिसके अपर फेस में एक एक्सट्रूड करके अंदर इनसेट मारा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली तुम कभी शूज़ बनाने जाओगे ना, ऐसे ही बनाते हैं, एक बॉक्स लेते मतलब एक क्यूब लेते, उसको एक्सट्रूड करना रहता है, एंड देन उसको ऊपर वाले फेस को इंसर्ट करके एक्सट्रूड नीचे करना होता है। ठीक है, ऊपर वाले फेस को इंसर्ट करके एक्सट्रूड नीचे, देन लूप्स डालने रहते हैं यहाँ वहाँ, एक्स्ट्रा लूप्स शेप डालने के लिए, बस ऐसे ही बनाते हैं शूज़ को। तुमको चाहिए तो कभी मॉडलिंग करके दिखा दूँगा, किसी न किसी टाइम पर हम लोग मॉडलिंग भी करेंगे, देखते किसी ना किसी कोर्स में बता दूंगा ट्यूटोरियल के टाइम पर, मॉडलिंग वगैरह थोड़ा। ठीक है, शूज़ मेरे को इतना समझा। ठीक है, और ये जो है, ठीक है पीछे वाला बॉक्स, जो पीछे वाला जो ऊपर वाला फेस है जिसको हम लोगों ने इंसर्ट किया, इसके ऊपर से एक हम लोगों ने एक्सट्रूड किया है सामने वाले फेस से, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस शेप। ठीक है, अब अगर तुमको ये कन्फ्यूज़न हुआ, बहुत अच्छा वाला, थैंक यू, मुझे पता तो होगा, बट मैं हूँ ना, सॉल्व करूँगा तुम्हारा कन्फ्यूजन। तो बस मैं जैसे करते जाता हूँ वैसे ही बस तुम भी करते जाओ। मैं तुमको एक फंडा बता दिया कि बेसिकली तुमको समझना कैसे किसी भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रीटोपो कैसे करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करनी होती है, वो तो प्लानिंग कैसे करते हैं वो मैंने तुमको सिर्फ बता दिया, और अब मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। तो कंटूर्स एंड लूप्स डाल दिए, आर्ट से काम नहीं होगा अपना, वी नीड वे मोर। 16 से भी शायद काम हो जाएगा, आई गेस 16 इज गुड। ठीक है, थोड़ा सा इसको रोटेट करूंगा मैं ताकि नीचे वाला पूरा फ्लैट रहे। ठीक है, नीचे मुझे फ्लैट मिल गया इसलिए मैंने इसको रोटेट कर दिया। और नीचे हमारे पास कितने एजेस है अभी, वी हैव 5 एजेस, 5 होना चाहिए था। वर्टाइसेस कितने हैं, 6 वर्टाइसेस है ना, 16 विच मीन्स 4 4 4, बट वी नीड 6, तो 6 4 24, तो इस साइड पे भी 6 होने चाहिए थे, इस साइड पे भी 6, बट उससे बेटर वी कैन हैव 6 नीचे 6 ऊपर वर्टाइसेस, 6 वर्टाइसेस ऊपर 6 वर्टाइसेस नीचे, एंड 12 वर्टाइसेस हो गए, 2 इधर 2 इधर, यस दैट विल बी फाइन। ठीक है, मैं सिर्फ काउंट कर रहा था, इसको पकड़ते पूरा कॉन्टोर्स एंड सेम ऊपर जाओ, ऊपर से देखो, एक यहाँ पे कॉन्टोर, एक यहाँ पे कॉन्टोर, और एक सामने एक छोटा सा ऐसा यहाँ पे बन सकता है, बन तो सकता बट वो नहीं चाहिए मुझे, इनफैक्ट ये भी नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी, क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना ये बॉक्स जैसा मैं इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो बॉक्स एक्चुअली प्योर बॉक्स नहीं होगा, ये होगा थोड़ा सा क्यूबॉइड जैसा। ठीक है, इसके ऊपर होंगे 6 वर्टाइसेस, इधर होंगे 6 वर्टाइसेस, इधर 2 इधर 2, ऐसा कुछ होएगा, मैं बताता हूँ, कन्फ्यूज मत हो प्लीज, बता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता हूँ, बट कोशिश करो यार समझो, नहीं आता उतना अच्छा सिखाना, बट सीख रहा हूँ मैं भी कैसे सिखाते तुम लोग को, मतलब दूसरों को सिखाते कैसे, ये भी मैं सीख रहा हूँ, मुझे सिखाने का कोई ऐसा ये सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है नहीं, मैं सर्टिफाइड टीचर नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं अपना सिर्फ स्किल शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कि मैं कैसे करता हूँ चीज़ें, बट या थोड़ा बहुत मैं भी सीखता हूँ कि सिखाते कैसे लोगों को, क्या ईजी वे है लोगों को सिखाना। Now I'll use polypen tool and मैं यहाँ पे ऐसा ही बनाऊँगा।
ये राउंडेड शेप, सेम यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर देंगे इसको यहाँ से इसको ऐसे। तो अब यहाँ पे हम लोग जितने चाहे उतने लूप्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक और लूप ऐड कर दिया। नाउ ये जो नीचे वाला लूप है ना, ये वाला कंटिन्यू, इसको हमें कंटिन्यू करना है। एंड ऊपर से छः लूप्स देख लेना, छः वर्टाइसेस सॉरी, ठीक है। तो लेट्स कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट दिस टू दिस टू दिस, सात तो वी हैव आठ वर्टाइसेस, नहीं इसको छोड़ो यहाँ से, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट करो। वी हैव फाइव वर्टाइसेस, सॉरी फाइव एजेस एंड सिक्स वर्टाइसेस, ठीक है। सो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करना है। ओके अब मैं बताता हूँ तुमको कि कैसे करना है। मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। वो तुमको कुछ नहीं समझा तो अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। पॉलीगन टूल लो, नीचे वाला ये जो जा रहा है एज लूप दिख रहा है, इनको बस पूरा कनेक्ट कर दो। ओके और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे, बाद में वैसे भी अरेंज करने वाला, टेंशन बना लो अभी, अलग अभी करने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बाद में हम लोग उसको फिक्स करेंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन एंड ऑल करेंगे वो। मैं अभी थोड़ा सा बस करके रखता हूँ। उसके ऊपर वाला भी एक ये जो लूप है ना, इसको भी पकड़ो एंड सेम ऐसे करो। एंड ऐसे पॉलीपेन से करने से अच्छा यूज स्ट्रोक्स, ठीक है। ये नीचे के इन सबको सिलेक्ट करो एंड देन स्ट्रोक्स चला दो, अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले के तुम लोग वैसे ही कर सकते थे बट मैंने इस करके दिखाया, क्योंकि मेरे को बताना था कि नीचे वाला लूप ऐसे कंटिन्यू करना है, तो मुझे डायरेक्ट बता देना अच्छे से नीचे वाले दो लूप ऐसे कंटिन्यू करना है, बट कोई नहीं चलेगा। नाउ वी हैव टू मेक डायमंड्स, डायमंड्स बनने ज़रूरी है। एंड डायमंड्स कैसे बनेंगे वही बताता हूँ। पॉलीपेन, अभी यहाँ पे पॉलीपेन चाहिए, ठीक है। ऐसा एक डायमंड बनाना है, अभी डायमंड बन गया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसा डायमंड बनाना, और अभी स्ट्रोक्स अगेन इन पांचों को सिलेक्ट करो, ड्रॉ दिस। अब यहाँ पे हमारे पास है चार वर्टाइसेस और यहाँ पे आ रहे अपने सिर्फ दो वर्टाइसेस, ठीक है। दिस इज दिक्कत दे रहा है। ओके तो हम लोगों ने कुछ तो गलत किया है, इसका मतलब तो बस नीचे भी सिक्स जाने चाहिए था। लेट मी थिंक, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, सो यू हैव दिस टू कनेक्ट दिस, दिस टू कनेक्ट दिस, तो बीच वाला ऐसे कनेक्ट होएगा, ये ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एच कम पड़ जा रहा है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे ये वाले एच को सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे ये वाले एच को सिलेक्ट करके ऐसा एक डायमंड बनाना। डायमंड दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट करो तो फिर डायमंड बनेगा। ओके मुझे ऐसा डायमंड बनाना है, हाँ ओके 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 समझा। तो मैं ये जो दो एज लूप्स गए, ठीक है, उसके ऊपर वाला ये जो एच है इसको पकड़ो एंड क्रिएट अ डायमंड लाइक दिस, इसको पकड़ो क्रिएट अ डायमंड लाइक दिस, ठीक है। अब शायद हो जाए, ठीक है। इनको ऐसे नीचे ये कर दो एंड फिर से क्या करना, सिंपल ऐसा फिल कर दो, बस हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे दिख रहा है ये जो बॉर्डर जा रहा है, सिलोवेट मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे एक और लूप डाल देंगे जिसकी वजह से सिलोवेट मेंटेन हो जाएगा। दैट्स इट, वी आर डन। नाउ रिलैक्स टूल और रिलैक्स कर लो, रिलैक्स टूल लो, रिलैक्स कर लो ऐसा। एक और नीचे यहाँ पे एक एच डालूंगा, यहाँ पे एक एच डालूंगा, तो ताकि वो रिलैक्स प्रॉपर हो जाए। मुझे एक शूज को आइसोलेट करके लेके आना चाहिए था यहाँ पे, इस शूज की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, बीच वाले पार्ट में करना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कोई नहीं कर सकते हम लोग, हो रहा है। ओके अब हमारा सामने वाला पार्ट हो गया, नाउ यू हैव टू मेक दिस बैक वाला पार्ट। सो पॉलीपेन टूल बता देता हूँ, ये जो जा रहा है ना, ये वाला एक एज लूप, ये जो जा रहा है ना, ये पूरा का पूरा ऐसा पीछे तक कंटिन्यू होने वाला है,
ये जो है ना ये हाँ ये जो है ना ये पूरा का पूरा ऐसे पीछे तक ऐसे कंटिन्यू होके और वापस से कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो जो भी बीच के बचे ना, ये बीच के यहाँ से जाएंगे और ऐसे कंटिन्यू करेंगे, समझा? नहीं समझा कोई बात नहीं, बता देता हूँ। पॉली स्ट्रिप्स, लेट्स टेक द पॉली स्ट्रिप एंड यहाँ से यहाँ तक बनाता हूँ मैं। मुझे पता नहीं कितना चाहिए, तो अभी के लिए जितना बन रहा है उतना ही रख देता हूँ। 7 बने थे, ठीक है। और पता नहीं है मुझे लाइक कितने चाहिए, सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता इस बार। होता है कभी बार जो पता नहीं होता। वी जस्ट यूज आवर फ्लुक्स एंड वी डू समथिंग्स। यहाँ पे 8 बना तो मैं यहाँ पे भी 7 बनाऊंगा ताकि वो प्रॉपर रहे, सिमेट्री रहे, ठीक है। ओके डन, वी आर डन ओवर हियर। बीच में फिल करना है, सो आई विल यूज पैचेस टूल। एंड ये क्या हो गया भाई, मेरे को ये एज दे एंड इस एज को सिलेक्ट कर एंड 3 दे दे, देखेंगे कितना ज़रूरत पड़ता है, बट अभी के लिए 3 काफ़ी है। अब हमें इसको इंसर्ट करना है एक्चुअली, ये जो पार्ट रहेगा ना अभी यहाँ पे, इट विल बी इंसर्टेड, क्योंकि हमें ये ऊपर लेके जाना है ना। तो व्हाट वी विल डू नाउ इज इसको कनेक्ट करूँगा तो मुझे नहीं स्पेस नहीं मिलेगा। ओके पॉली पेन टूल लूँगा मैं, बट उससे पहले एक चीज़ मैं देख लूँगा कि यहाँ पे आई हैव एक समय कुछ बनाया लगता है। हाँ ये एज को सिलेक्ट करो, हाँ यहाँ पे आई हैव 4 वर्टाइसेस, ठीक है। सो पीछे मुझे कनेक्ट करने के लिए 4 वर्टाइसेस होना चाहिए, ये 7 को छोड़ के, अगर ये 7 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 1, 2, 3 हम लोगों ने ऐड किया था ना, सो वी नीड 3 एजेस, यहाँ पे भी 3 एजेस है, बराबर है अभी के लिए, बराबर लग रहा है मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लग तो रहा है बराबर है कि नहीं है मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी वो विजुअलाइज उतना होएगा नहीं प्रॉपरली, वरना मुझे एकदम काउंट करने बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंट करने बैठने से अच्छा व्हाट विल डू, इसकी याद रखना, हमें अगर एक्स्ट्रा लूप्स डालने हैं ना हमेशा पीछे डालना, ठीक है, पीछे डालना है। और मुझे यहाँ से 7 कनेक्ट करने हैं, और 7 कैसे कनेक्ट करने हैं, ऐसे यू हैव टू मेक 1 डायमंड ओवर हियर, ऐसा शेप बनाना है। अब यहाँ पे जैसा बनाया सेम इस साइड पे बनाना, ठीक है, ऐसा। अब इसको फिल करना है, सो स्ट्रोक्स डन। आई थिंक कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए, बट हुआ तो देख लेंगे, वो भगवान भरोसे। अभी के लिए भरते इसको पहले, तो वरना हमें समझ में नहीं आएगा, हमसे सोचते बैठ जाएंगे यार यार ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ये फिल कर दिया मैंने। ओके अब हमें करना है कि इनको एक्सट्रूड कर करके ये पूरा फिल आउट करना है, ठीक है। चलो यूज पॉली पेन ऐसा, तुम लोग चाहो तो इसको स्ट्रोक से कर सकते हो, बट मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पॉलीगॉन्स कितना होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास रेफरेंस के लिए मेरा यह मॉडल रहेगा, मेरे पास रेफरेंस के लिए अभी कुछ है नहीं, ठीक है, मेरे पास कोई मॉडल नहीं है रेफरेंस के लिए, तो मैं अभी इसलिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम रहे, आगे कुछ इश्यूज ना आए, इसके लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। तुम स्ट्रोक से बनाओगे तो फटाफट बन जाएगा, एंड कभी कभी क्वाड्रो से बनाना ही पड़ता है, क्वाड्रो नहीं मतलब पॉली पेन से, एक्चुअली माया में क्वाड्रो बोलते हैं इसको, क्वाड्रो रहता है ऐसा ही कुछ चीज़।
ओके रिलैक्स रिलैक्स डन। ओके अब मुझे देखना है कि यहाँ से कितने वर्टाइसेस जा रहे हैं। यहाँ से 7 उन्होंने लिए थे, सो इंस्टेड ऑफ 7 वी कैन टेक 8 एंड पीछे वी कैन टेक 16। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पीछे वी कैन टेक 4। बट देखते पहले इस बीच वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वाला एक मिस्ट्री है, बीच वाला जो है ना ये एक पार्ट, दिस इज द मिस्ट्री पार्ट एंड इसको करना है अभी। तो मैं यहाँ पे लूँगा पॉलीपेन एंड यहाँ पे एकदम क्लोज एकदम नज़दीक वाले में एक ये बनाऊँगा ऐसा, एकदम जहाँ पे ये एच कनेक्ट हो रहा है ना वहाँ से इसको मैं ऐसा सराउंड करूँगा लाइक दिस। ठीक है देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं बना रहा हूँ ना दैट माइट बी राइट दैट माइट बी रॉन्ग, मैंने बोलने वाला कि 100% राइट है। सो बिंदास टेस्ट करना, ठीक है, ट्राई एरर करके फेल होके बनाओ, मज़ा उसी में है। अब ये जो पोल है ठीक है, इसके बाद वी हैव 3 वर्ड एजेस, मतलब ये एक एज लूप है 2-3 जो ऊपर जा रहा है इस गोले में जा रहा है, ठीक है 1-2-3 उस पोल के बाद एंड यहाँ पे इस पोल के बाद वी हैव 1-2 वी शुड हैव 3। तो मैंने यहाँ पे एक एच लूप ऐड कर दिया एंड ये भी कुछ इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए। ये पोल है, पोल के बाद ये एक एच ऊपर जा रहा है, ये भी एक एच ऊपर जा रहा है, ये भी एक एच एच नहीं फेस लूप ऊपर जा रहा है। एक्चुअली हिंदी में बताना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट यार, आई कैन जस्ट ईजिली एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश बिकॉज ऑल द टर्मिनोलॉजीज आर इन इंग्लिश। But for you guys, I have to just translate it into Hindi and then explain it to you guys, and that is something time consuming and like a little bit of effort on my brain, but it's fine, I can handle that much because I'm a pro, I'm 35, yes, just main badbada raha tha, theek hai, kuch seriously mat lena। किसी भी कही हुई बात को कृपया करके सीरियस ना ले, ये मजाक था। 1-2-3-4-5 फेसेस एंड ये है हमारा मिडल फेस एज या फेस लुक, मिडल वाला फेस लुक, ये वाला, ये हमारा मिडल वाला फेस लुक जाता हुआ ऑल ओवर द शूज, ये मिडल में ही रहेगा हमेशा, तो इसकी गारंटी रख ले। ठीक है अब मैं बनाऊंगा इस गोले पे पॉलीपेन से, मुझे पता नहीं है कितने चाहिए यहाँ पे, ठीक है आई डोंट नो कि कितने कवर करने के लिए चाहिए, मैं सिर्फ शेप्स देख रहा हूँ एंड सिलोवेट देख रहा हूँ। जब सिलोवेट मेंटेन हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे फुल स्ट्रेट था तो मैंने यहाँ पे एक एच से इसको कम्प्लीट कर लिया, बट यहाँ पे कर्व था तो यहाँ पे मैंने 2 एच डाले, ऐसे करके मैं बस सिलोवेट मेंटेन रखते हुए बना रहा हूँ पॉलीपेन से। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज टेक दिस 3 पार्ट्स स्ट्रोक्स ऐसे बनाओ एंड आई थिंक मुझे एक और लूप चाहिए यहाँ पे इसको फिल करने के लिए, और इतने ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे भाई, इतने ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा 3, हाँ 3 काफ़ी है, 3 सिलोवेट मेंटेन कर लेंगे। और यहाँ पे एक एज लूप डालना है पॉलीपेन टूल एंड इसको फिल करो एंड हम लोगों ने यहाँ पे 3 एजेस डाले थे, ठीक है तो सेम पोल के बाद ये जो 3 एजेस है इनको पकड़ा स्ट्रोक्स एंड यहाँ तक यस एंड इसमें यहाँ पे 3 होने चाहिए हमारे पास, अब 3 ही बस होने चाहिए, 3 लूप्स आ गए एंड मैं इसको स्लाइड पता कैसे कर रहा हूँ, जिस व्यू में जाओगे ना उस व्यू से वो स्नैप करेगा, तो मैंने बस थोड़ा सा पीछे कर लिया
ऐसे करके दिमाग, जस्ट दिमाग लगाया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रिटोको हो गया है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं लाइक मिक्स्ड कर रहा हूँ, लाइक ट्रायंगल्स भी बनाने वाला हूँ बोल रहा हूँ, तो बोल सकता हूँ मिक्स्ड कर रहा हूँ। ना मैं प्योर CGI जा रहा हूँ, ना मैं प्योर गेम जा रहा हूँ, बट येस दिस कैन बी यूज इन द गेम। ये मॉडल तुम लोग गेम में यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज गेम में एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रायंगल्स। बस तुम्हारा पॉलीगॉन कम होना चाहिए, वही होता है गेम्स में मेनली। अब यहाँ पे एक डायमंड बनेगा, यहाँ पे एक डायमंड बनेगा जो ऑलरेडी बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो डायमंड बन गया, एंड सेम यहाँ पे भी डायमंड बन गया। इसको थोड़ा ऊपर, यहाँ पे एक ऐसे लुक डालूंगा, यहाँ पे एक ऐसे लुक डालूंगा, क्योंकि ये इससे कनेक्ट होने वाला था और ये इससे कनेक्ट होने वाला था, तो मुझे एक चाहिए था वहाँ पे। और यहाँ पर दो वर्टाइसेस है बट यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक और डाल लेंगे। नाउ वी विल यूज पैचेस, 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 फिल, फिल। और ये फिल नहीं करेगा, मेरे को पता था ये पैचेस टूल टट्टी है यार, टट्टी टूल है, पता नहीं काम ही नहीं करता कभी भी, जब जरूरत पड़ती है ना तब बिल्कुल काम नहीं करता। इसको यहाँ पे ऐड जोड़ दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया। आई गेस पॉलीपॉइंट टूल से जल्दी हो जाएगा मेरे। पॉलीपॉइंट टूल से जल्दी हो गया। नाउ लेट्स रिलैक्स एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग नहीं, सब कुछ मुझे रिलैक्स करने बैठना, बस ये वाला गोला वाला पार्ट रिलैक्स कर रहा हूँ मैं, बाकी सब तुम लोग रिलैक्स करोगे ना थोड़ा सा अजीब सा रिलैक्स हो जाएगा, कहीं पे स्ट्रेचिंग वगैरह हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे शूज में मैंने रिलैक्स कर दिया, देखा वो चीज़ हो सकता है, देखो भी हुआ था ना, मैंने कंट्रोल सी किया, वो हो सकता है। एंड इसको अगर तुम्हें फिक्स करना है तो तुम्हें ट्विक टूल से इसको मूव करना होगा। येस आई नो सम थिंग्स आर नॉट डन यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स, बट करना पड़ता है यार कभी कभार, तभी तो अच्छा बनेगा मॉडल। ओके डन, अब मुझे एक और लुक चाहिए यहाँ पे, इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट क्रीज, क्रीज वाला पार्ट चाहिए आप, ठीक है, ये जो शार्प क्रीज है ना, इस क्रीज को मेंटेन रख, मैं बस इन लोग को नज़दीक लेके आ गया और कुछ, एंड ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो गया भाई। ठीक, ठीक है, ओके लेट अस कंटिन्यू। इनको थोड़ा थोड़ा नीचे कर लूँगा मैं, देखते हैं बाद में अगर लूप से ज़रूरत पड़ा तो हम डाल लेंगे, यहाँ पे डाल ही सकते हैं, यहाँ पे ऐसा सर्कुलर लूप जितने चाहिए उतने डाल सकते हैं, तो इसके लिए मैंने वैसे ही बनाया था। नाउ अब हमें फोकस करना है अंदर वाले पार्ट पे, एंड दिस पार्ट इज मेसअप, अ लिटिल बिट ऑफ मेसअप, ये फ्लैट भी है एंड फ्लैट नहीं भी है, एंड ओवरवॉच की अपडेट हो गया रे, ओवरवॉच अपडेट हो गया, ये क्या मजा के यार, मैं क्यों दबा रहा हूँ, मेन्यू नहीं आ रहा मेरा, हाँ पॉली पेन ना, ओके नाउ लेट्स ओवरवॉच अपडेट हो जाते हैं क्या यार, नेवर माइंड, आजकल उसे खेलने का टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, बट मैं फिर भी खेल रहा हूँ, खेलने का टाइम नहीं मिल रहा बट फिर भी खेल रहा हूँ। दिस इज टैलेंट, टैलेंट बोल सकते हैं इसे, पॉलीपेंट, एंड यहाँ पे मैं इस एच को कनेक्ट करूँगा ये वाले एच से, ओके ओके, और सेंटर वाला याद रखना, ये जो सेंटर वाला है ना फुल सेंटर वाला, इसको सेंटर वाले को मेंटेन रखना है हमेशा हर कदम पे, इसको मेंटेन रखना, इसको पहले भर देने का, जिसको मेंटेन रखना है जो बनाने का ना, जैसे डायमंड बनाने का है, पोल बनाने का है, वो फटफट ऐसा पहले बना देता है। ओके अब मेरे पास यहाँ पे देखो कितने वर्टाइसेस है, आई हैव वन, वाह ऐसे सिलेक्ट करना था वैसे सिलेक्ट किया, एक दो तीन, सॉरी एक दो तीन चार पाँच,
वर्टाइसेस इधर है, 5 वर्टाइसेस इधर है। मेरे को कनेक्ट करना है, कैसे करना है, ऐसे करना है, कंट्रोलर एक लूप यहाँ पे डालो, उस पॉलीपेन इसको यहाँ पे करो। एक्चुअली इसको कंट्रोल फिल से फटफट कर सकते हो, बट मुझे दिखाना है कि कंट्रोल फिल अगर तुमको यूज़ नहीं करना है तो कैसे कर सकते हो, इसलिए मैं अभी करके दिखा रहा हूँ तुमको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुमको अगर माया यूज़ करना पड़ा तो कंट्रोल फिल मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये सारी ट्रिक्स तुम टेक्निक्स तुम माया में भी यूज़ कर सकते हो ना। तो जो ब्लेंडर वाले नहीं है, जिन लोग माया यूज़ करते हैं, दे कैन ऑल्सो यूज़ दीज टेक्निक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डायमंड बनने वाला है, डेफिनेटली दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको बना दूंगा सेम यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक एज लुक, फिल इसको यहाँ से ऐसा, फिल इसको यहाँ से रिलैक्स रिलैक्स, यू ऑल्सो गाइस रिलैक्स, यू हैव 3D5 टू बैक यू अप। और अगर तुम्हारा कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अजीब सा यूट्यूब हो रहा है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा ना, बिंदास आके पूछ लो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई जाके वापस वीडियो देख ले, अगर बोला भी तो जाके एक बार देख लेना, क्योंकि समझ लेना एकदम छोटा सा एक इश्यू है जो तुम लोग ने बस मिस कर दिया, तो इसलिए मैं तुमको बोलना रहूँगा कि एक बार वीडियो देख लो वापस, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा वो चीज़, ऐसा भी होगा, वरना मैं ऐसा ऐसा नहीं बोलता कि भाई जाके एक और बार देख लो, बहुत रेयरली बोलता हूँ कभी भी कि एक और बार जाके देख लो, वरना मैं समझा ही देता हूँ। हाँ ऑब्वियसली अगर फ्री हो तो, फ्री नहीं हो कुछ काम कर रहा हो तुम तो भी आके डिस्टर्ब करोगे तो नहीं चलेगा ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करने का, दिस इज बैड मैनर्स। अब इसको फिल करना है मुझे ऐसे, और ये इसको यहाँ पे रिलैक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने पिंच क्रिएट किया एंड इसका काम ख़त्म, ऐसा यहाँ पे पिंच क्रिएट हुआ एंड देन रिलैक्स, इसका काम ख़त्म, बैक टू काम, मतलब बैक टू नॉर्मल। डन, आई गेस हो जाएगा, बट लेट्स सी हाउ मच वी नीड एंड और कितना हमें चाहिए, और लूप्स इसको लेके थोड़ा नीचे, इनको लेके थोड़ा नीचे, पॉलीपेन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा, इसको ऐसा कनेक्ट, इसको ऐसा कनेक्ट, इसको ऐसा। अब हमें अंदर लेके जाना है, अंदर आएगा इसमें ब्लेंडर में लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये पूरा फिल कर लेते हैं अभी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको पकड़ो, ये स्ट्रोक्स एंड यहाँ से लेके पूरा ऐसे बना दो, एंड अगेन इस सिलेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करने का, ऐसा सिलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों। अगेन स्ट्रोक्स यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक, एंड इश्यू हो गया, इश्यू हो गया, बट कोई नहीं, टिक कर लेंगे इसको, यस टिक कर लिया। अब इसको बीच वाले को सिर्फ फिल करना है, तो इनको पकड़ो, ये पैचेस से हो सकता था बट मेरे को पैचेस यूज नहीं करना है साला, तो अभी जब चाहिए काम नहीं करता तभी। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो लूप है ना इसको मैं डिसॉल्व कर दूँगा, यस ठीक है, और इसको फटाफट फिल कर लूँगा मैं, ऐसे करूँगा वो बता रहा हूँ मैं अभी। ओके ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक सिलेक्ट स्ट्रोक्स, ये यहाँ तक सिलेक्ट,
ठीक है, और यहाँ से ऐसा पूरा गोल घुमाना है। एंड सेंटर वाला याद रखना, सेंटर वाला, हमें तो यहाँ पे सेंटर मिला नहीं अभी तक। ठीक है, तो जब सेंटर मिला नहीं है, विल ट्राई स्टार्ट फिलिंग अप यहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हैं। ओली पेन नहीं तो स्ट्रोक से फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब मुझे दिख रहा है कि कहाँ कनेक्ट होने वाला है, बट क्या वहाँ पे मुझे कनेक्ट करना चाहिए? यस, बड़बड़ा रहा हूँ ना, कौन सा ऐसा बड़बड़ा कर रहा, बट कोई नहीं, मज़ा आता मेरे को। नाउ सिलेक्ट दिस फिल कर दो, और एक बाद में ऐसा एक लूप डाल दो, Ctrl-Z, Ctrl-R यहाँ पे, ओके डन। थोड़ा लैग होने लगा है अभी, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। एंड यहाँ पे एक वर्टेक्स अंदर घुस गया, ये शिफ्ट एन नॉर्मल फ्लिप था। अगेन लेट्स गो बैक टू रीटोपो फ्लो, क्योंकि हमें थोड़ा सा अभी और करना है, एंड ये वाला पार्ट भी अनफॉर्चुनेटली लंबा जा रहा है। कुछ कर नहीं सकता यार, ये रीटोपो टाइम लेता है, अच्छा खासा टाइम लेता है। नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस और हमारे पास कितने हैं अभी, 18। चले अंदर एक ऐसा बनाएंगे गोला सा, एक और गोला सा, थोड़ा सा। नाउ रिलैक्स, relax. I think एक और एज चाहिएगा मेरे को यहाँ पे। relax. So, relax. क्या गा रहा हूँ मैं फालतू जैसा यार, मैं खुद की तारीफ करने के लिए कुछ भी गाली होता। दिस इज कॉल्ड टैलेंट, खुद की तारीफ मत करो, तो गाली दो। ओके लेट्स गो बैक टू ब्लेंडर, वनीला ब्लेंडर, एंड इसको सर्कल कर दूंगा मैं। एंड कंट्रोल एफ ग्रिड फिल, इजी लेमन स्क्वीजी खत्म जी, ताकि वो स्नैप हो जाए, और यहाँ पे भी एक ताकि स्नैप हो जाए। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे 18 वर्टाइसेस है, और हमारे पाँव में वी हैव 16 वर्टाइसेस, सो इसको कनेक्ट कैसे करें, दैट इज द क्वेश्चन है, बट इजी आंसर, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने यहाँ पे 7 लिए थे, वो 6 लेने चाहिए थे, 6 लेते तो हो जाता था, तो हम लोग वही करने वाले हैं ना। इसको लो पूरा कंट्रोल एक्स, ऐसा मत करना ठीक है, जो मैंने अभी किया ना वो मत करना, बिकॉज कंट्रोल एक्स करने से गलत हो जाएगा। हमें इस लूप की ज़रूरत है, लेकिन बीच में से मैं डिलीट नहीं कर सकता, तो क्या करे छोड़ देते हैं ऐसे कैसे, ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से ना कुछ तो कन्वर्ज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो ठीक है। अभी मैं कुछ कन्वर्ज वगैरह नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी जैसे कि यहाँ पे एक 6-star पोल बन रहा है, 6-star है, 5-star है ना,
सिक्स स्टार होना नहीं चाहिए, फाइव स्टार भाई, सिक्स स्टार होता तो और लग जाते थे, इसको सॉल्व कहाँ करते बैठता अभी, बट नहीं सिक्स स्टार है। एक से एक दो तीन चार पाँच छ बराबर सिक्स स्टार, सिक्स स्टार वर्टेक्स क्या किया जाए, सिक्स स्टार बन गया। हो गया सॉल्व, इसको बोलो कंट्रोल एक्स। समझो थोड़ा समझा देता हूँ, मैंने इसको पढ़े कंट्रोल एक्स क्यों किया, तो यहाँ पे सिक्स स्टार बन रहा था, यहाँ पे भी सिक्स स्टार बन रहा था, एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस टू वर्टाइसेस, एक्स्ट्रा दो वर्टेक्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड ये पूरा एक लूप है, क्लोज लूप है। तो मैं अगर इसको कंट्रोल एक्स कर दूँ, बाकी और किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, ना नीचे के वर्टाइसेस को फ़र्क पड़ने वाला है, जो फ़र्क पड़ना था वो अंदर ही पड़ना था, और अंदर वाला तो दिखने भी नहीं वाला उतना अच्छे से, तो बस कर दिया मैंने। नाउ लेट्स गो टू स्कल्प्टिंग मोड एंड इसका डिस्प्ले वायर चालू कर लेता हूँ मैं, एंड इसको थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा स्मूथ 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 थोड़ा थोड़ा स्मूथ, एंड यहाँ पे N1 बन गया। ठीक है, मुझे पता था N1 बनेगा, बट उसको भी हम लोग ठीक करने वाले हैं, अभी बताता हूँ कैसे। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा, बट मुझे भी नहीं पता कैसे, सोचूंगा फिर बताऊँगा, वेट करो। सोच रहे दिमाग मेरे सोच कैसे उसको ठीक करेगा। अब यहाँ पे पेंटागन बन रहा है, ठीक है, आई नो आई कैन मेक इट इन इनटू अ क्वाड, बट अगर क्वाड बनाऊंगा यहाँ से वो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो फाइव स्टार है इसको भी मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, इशू नहीं है। बट मैं शेप्स सोच रहा हूँ और क्या शेप्स बना सकता हूँ, कि अंदर ये जो अभी 16 वर्टाइसेस आए हैं, 16 के 16 मेंटेन रहे, ताकि ऊपर पाव से कनेक्ट करना रहेगा तो इजीली हो जाएगा, बट ये एक पेंटागन बन रहा है, ये जो पेंटागन्स बने हैं इनको हमें से सॉल्व करना है, एंड पेंटागन्स को सॉल्व करने का एक मस्त तरीका जो होता है वो होता है कि ये जो ऐसे कनेक्ट हो रहा है ना एमआर सेंटर पर, बट कभी कभार ये हो जाता है जो भी हो गया था, तो इनको जे कर देता हूँ मैं अभी, तो फिलहाल ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, सो वी हैव अगेन सिक्स स्टार, और मैं यहाँ पर अभी ज्वाइन कर ही नहीं सकता, इसको तो मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, सो आई विल ज्वाइन दिस वंस जे। ठीक है एंड अगेन, अरे हट ना, यहाँ पर भी ज्वाइन कर दूंगा, एंड देन आई विल ऐड अ लूप लाइक दिस। ठीक है, तो हमारा क्वाड भी सॉल्व हो गया, एंड सॉरी N1 भी सॉल्व हो गया, ये पोल ही रह गया फाइव स्टार वाला, ठीक है सिक्स स्टार नहीं बना, एंड वी आर इन अ राइट ट्रैक नाउ, अब हमें सिर्फ स्मूथ करना है, तो स्मूथ करना है इनको, सिर्फ स्मूथ करना, एंड सबसे बेस्ट होगा तुम लोग इसमें चले जाओ यूट्यूब फ्लो में जाके स्मूथ कर लो, फटाफट हो जाएगा, एंड लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर मोर टाइम। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, मैं थोड़ा लूजली थोड़ा लाइटली इसको रिटोपो कर रहा था, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज दिस वाज अ टफ इश्यूज, थोड़ा सा ना हमेशा टफ रह जाता है, मतलब टफ है ना इश्यूज, टफ हो जाता है ऐसा बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ डिटेल्स, क्योंकि हमें वो डिटेल्स भी मेंटेन करने होते हैं एंड पॉलीकॉन भी मेंटेन करना होता है, तो अभी ये थोड़ा सा हाई हो गया है बट चलेगा, थोड़ा सा हाई है बट चलता है, हमें जो सिलोवेट चाहिए थे वो सिलोवेट्स मिल गए ना, वो इम्पोर्टेंट है, सिलोवेट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, याद रखना हमेशा। और बस
ठीक है, स्मूदनिंग कर रहे हैं अभी हम लोग। स्मूदनिंग करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, बट करने नहीं हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारा भी नहीं हो रहा, बट कैसे कैसे करके बस कर लो, ठीक है। मतलब कैसे कैसे, मतलब कैसे भी मत कर देना, थोड़ा सा देख देख के, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा प्यार से। ठीक है, डन, दैट्स इट, लेट्स गेट आउट ऑफ द रिटोपो फ्लो, एंड हमारा शूज का रिटोपो भी खत्म। लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग, पहले इसको नेम दे देता हूँ, शूज। डेसिमेटेड को हाइड कर देंगे एंड सबको लेके आ जाएंगे, इसको इन फ्रंट से हटाएंगे, और हमारा लियो तैयार। अब बचे हेयर्स, मेनली हेयर्स बचे, और अंदर का माउथ कैविटी बचा है, जो लाइक हो जाएगा, उतना कुछ है नहीं बड़ा इशू। माउथ कैविटी वैसे भी उतना दिखता नहीं है, बट हमारे केस में दिखने वाला है सिंस ही इज स्माइलिंग, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया अभी जस्ट, जो मुझे पहले कर देना चाहिए था, मतलब मैंने पहले भी नोटिस किया था, बट मैंने सोचा था कि इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगा, बट भूल गया मैं बाद में। मुझे ना ये जो एजेस है ना, ये बहुत शार्प है, ठीक है, इनको बेवल करना है ऐसा, ठीक है। अब एजेस में ऐसे ट्राइंगल्स बन जाएंगे, तो डरना मत, इसको बस ऐसे मर्ज कर दो, ठीक है। और मर्ज हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको चालू नहीं किया था, और अब मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो गया। नाउ ऐड वन मोर लूप इन द बिटवीन, इसको थोड़ा सा जीजी, इसको थोड़ा सा जीजी, एंड वी आर डन। ठीक है, और मैं सामने से कर रहा हूँ, पीछे से कर रहा नहीं हूँ, क्योंकि पीछे से इट्स लाइक फाइन। एंड अभी ये थोड़ा सा हाई पॉली हो चुका है, बिकॉज इट इज 14,000 ट्राइंगल्स, बट डिपेंड्स ऑन योर गेम ऑल्सो। और एक और चीज़ मुझे करना था, सिंस यहाँ पे इसका नीज है, ठीक है, इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे कुछ बेंड्स वगैरह कुछ आने नहीं वाले है, आई नो दैट, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट रहने वाला है। एंड ट्विस्टिंग वगैरह लेग्स में होता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता, तो आई कैन रिड्यूस दिस पॉली काउंट, और एक्चुअली मुझे करना नहीं चाहिए, बट मैं करूँगा। और इसको सिंपल तरीका कैसे होगा, प्लस 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 प्लस, एंड ये मैं कर क्यों रहा हूँ, एक और रीज़न है इस बीइंग कैसे करूँ, एक्स वर्टाइसेस, ठीक है, ब्रिज कर दिया। और हाँ, अब मेरे को फिल करना है, एंड फिल कैसे करना है, ये जो दिख रहे हैं बॉक्सेस इतने बड़े बड़े, आई हैव टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ बॉक्स ओवर हियर, तो इतना तो मैंने कम किया है पॉलीकॉन, ठीक है, पॉलीकॉन मैंने कम किया है, तुमको यकीन नहीं हो रहा है। ये ट्रायंगल देखो, ये देखो, देख रहे हो, पॉलीकॉन कम हुआ है, अब मेरे को सिमेट्राइज भी करना है इसको। एंड इसको मैंने कम, एकदम कम क्यों नहीं किया, द रीज़न बीइंग इसमें ट्विस्टिंग आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लेग में कभी भी लेग ऐसा इधर उधर जा रहा है, तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग वगैरह इसमें आता है। एंड उसको मेंटेन रखने के लिए वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो प्रिजर्व रखने के लिए वी नीड सम लूप्स, और इसीलिए बस लूप डाल दिया। और लियो मस्त दिख रहा है अभी तो, लियो मस्त है, मस्त है, एकदम मस्त मस्त है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा गाना गा के, मुझे पता है मेरे को मज़ा आ रहा था उस यूट्यूब करने में। यूट्यूब ऐसा ही है, लाइक फन, लिटिल बिट अवे फ्रॉम द आर्ट स्टफ एंड ऑल, बस तुमको पॉलीगॉन फिल्स करना है बस, ऐसा ऐसा, ठीक है। सो दैट इज़ इट, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ये जो रिटोपो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, आर्टिस्टिक नहीं है इतना ज़्यादा, तो थोड़ा सा तुम रिलैक्स ले सकते हो, आर्ट से तुम रिलैक्स हो सकते हो, फ्री हो सकते हो इसमें, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट, आई होप यू एन्जॉयड दिस लियो ट्यूटोरियल पार्ट 10, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव, हैप्पी ब्लेंडिंग, बाय बाय।